नादरीन, आजकल की लड़की अपने जाल में फंसाकर लड़कों को मरवा भी सकती है। जी हाँ, ये एक वाकया पेश आया लाहौर इचरा में, जो कि एक लड़की दो दो तीन तीन लड़कों से प्यार करके, और आखिरकार होता क्या है कि वह दोनों आशिक आपस में लड़ते हैं और एक आशिक पर फायरिंग करने के बाद किसी की जान चली जाती है। इस वीडियो में मैं आपको पूरी तरह बताऊंगा कि ये वाकया क्या है, जो ये लड़की की तस्वीर साथ चल रही है और साथ ये मुलजमान की तस्वीर चल रही है, इन सब के पीछे क्या वाकया है, आज के इस व्लॉग में मैं आपको बताऊंगा। नाज़रीन, लाहौर इचरा के इलाके में एक ऐसा वाकया पेश आया जिसने, ये जो लड़की आप देख रही हैं, इसका एक बॉयफ्रेंड था पहले नदीम। नदीम के बाद इसको प्यार हो जाता है अरशद के साथ। तो अरशद क्या करता है, अरशद इस टाइम मुलजिम है, अरशद जाता है नदीम को समझाने के लिए, क्योंकि नदीम भी मुलाकात करता रहता है, नदीम भी फ़ोन करता रहता है अपनी ही गर्लफ्रेंड को। पुलिस के मुताबिक नदीम जो है लड़की को मिलने के लिए आता है, लेकिन अरशद नदीम को समझाने के लिए जाता है पुलिस के मुताबिक कि भाई इस लड़की से अब दूर रहो, इसकी दोस्ती मेरे साथ है। तो उस मामलात में तलख कलामी होती है दोनों लड़कों में, यानी कि दोनों आशिकों में। और फिर क्या होता है कि अरशद नामी जो मुलज़म है वो अंधाधुंध फायरिंग करना शुरू कर देता है मोहल्ले में। नदीम तो वहाँ से चला जाता है, लेकिन ये फायर जाकर लगते हैं एक रागीर को, एक नौजवान को, जिसकी मौके पर डेथ हो जाती है। तो ये पुलिस के मुताबिक मैं आपको बता रहा हूँ। और उसके बाद क्या होता है, लड़के को ले जाया जाता है हॉस्पिटल, लेकिन लड़के की मौत मौके पर हो जाती है। फिर जब लड़की को और दोनों आशिकों को गिरफ्तार करती है पुलिस और इन्वेस्टिगेशन करती है कि ये क्या मामला था, क्यों फायरिंग की अरशद ने और नदीम को क्यों मारना चाहा, तो लड़की सारा कुछ बयान करती है पुलिस के मुताबिक कि मेरी पहले दोस्ती नदीम के साथ थी, उसके बाद मेरी दोस्ती हुई अरशद के साथ। तो अरशद नदीम को समझाने जाता है कि भाई इस लड़की से अब दूर रहो, ये मेरी गर्लफ्रेंड है। लेकिन नदीम बाज नहीं आता, तो इस मौके पर अरशद साथ पिस्टल लेकर जाता है नदीम को समझाने पर। वहाँ पर तलख कलामी होती है, वो अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देता है अरशद, और वो फायर जाकर एक रागीर नौजवान को लगता है, जिसकी मौके पर डेथ हो जाती है। तो पुलिस FIR दर्ज कर लेती है थाना इचरा में, जो कि उसके बाद लड़की की तस्वीर और जो मुलज़म अरशद है और उसके बाद नदीम है, इन दोनों की तस्वीर एक साइड पर चल रही है। तो कहने का मकसद ये है, इस व्लॉग का मकसद ये है कि एक प्यार में, यानी कि लड़की अपने जाल में फंसा कर लड़कों की जान भी ले सकती है। तो क्या लगता है नाज़रीन आपको, आजकल का जो प्यार है, क्या वो सच्चा होता है या फिर झूठा? ये तो आपके सामने हकीकत है, ये एक वाकया नहीं, इस तरह हज़ारों वाकया हो चुके हैं लाहौर में कि प्यार की खातिर लोग जान ले लेते हैं, लड़की की खातिर, यानी कि लड़की कुछ भी करवा सकती है मर्द से। तो ये दिखाना बहुत ज़रूरी था, आजकल के नौजवानों को ये मैसेज देना बहुत ज़रूरी था कि माँ बाप के साथ प्यार करो, ना कि इन जैसे लड़कियों के साथ, जो कि आपसे कुछ भी करवा सकती है, आपसे कत्ल भी करवा सकती है। तो ये दिखाना बहुत ज़रूरी था, इसको शेयर करें ताकि ये मैसेज सब तक पहुँचे। मुझे दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।